काम में बिजी रहने के साथ साथ रोजा रखा जाए तो सबको पता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है इबादतों में, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। लॉकडाउन है, घर में रहने वाले, ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा तो नमाज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पे तवज्जो दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने पे तवज्जो दीजिए, सवाब कमाने में तवज्जो दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर रमजान न कभी आया है न कभी आएगा। अगर उस सोच के साथ चलेंगे तो ये रमजान का महीना बहुत खूबसूरत तरीके से जाने वाला है।